मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ यहां पर जयपुर एसीबी ने परिवाद पेश किया है, जिसमें शेखावत पर सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जोधपुर की कंपनी धनलक्ष्मी रियल मार्ट के डायरेक्टर ऋषभ डागा और निगम अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित एक जमीन के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला करीब 50 करोड़ की कस्टोडियन प्रॉपर्टी का निगम द्वारा फर्जी पट्टा बनाने और फिर उसे कंपनी को बेचने का है, जिसे लेकर जयपुर के शंकरलाल गुर्जर ने एसीबी थाने में शेखावत, ऋषभ डागा और निगम कार्मिकों के खिलाफ परिवाद पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि इस जमीन की खरीद के समय धनलक्ष्मी रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ऋषभ डागा और शेयर होल्डर शेखावत को जानकारी थी। इसके बावजूद कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकार को हानि पहुंचाने का काम किया गया। परिवाद में शेखावत पर निगम अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जी पट्टे बनाने का भी आरोप है। गजेंद्र सिंह शेखावत और ऋषभ डागा, इन लोगों ने मिल करके वो प्रॉपर्टी खरीद ली और इनको अच्छी तरह पता था कि ये प्रॉपर्टी जो परिवार पाकिस्तान चली गए उन परिवारों की प्रॉपर्टियां हैं और इस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जोधपुर नगर निगम का है। उसके पश्चात इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन वो जो उस वक्त उन्हें जो रजिस्ट्री कराई जो डीएलसी रेट थी उसकी डीएलसी रेट की भी आधी रेट पर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई। परिवादी शंकरलाल गुर्जर ने दायर किए परिवाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d), 13(2) और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 474 और 120(b) के तहत आरोप बनना बताया है। गुर्जर ने एसीबी महानिदेशक से इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि शंकरलाल गुर्जर ने इससे पहले अखबारों में दिए जाने वाले विज्ञापन घोटाले मामले में भी एसीबी में परिवाद पेश किया था, जिसमें एसीबी ने 5 एफआईआर दर्ज करते हुए कई बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया था। बहरहाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये मामला मुश्किलें खड़ी कर सकता है। परिवादी का दावा है कि एसीबी इस मामले में परिवाद दर्ज कर जांच शुरू करती है तो कई और खुलासे भी हो सकते हैं। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।